किसान आंदोलन से जुड़ा अपडेट अब आपको दे देते हैं, क्योंकि अब प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा चल रही है। आज तक के 5 संशोधन प्रस्ताव पर एक्सक्लूसिव जानकारी। सूत्रों के मुताबिक संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी को मजबूत करने का वादा हो सकता है। विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार भी दिया जा सकता है। एपीएमसी पर यह संशोधन किया जा सकता है। एमसीपी जारी रखने की गारंटी भी दी जा सकती है, तो वहीं पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील दी जा सकती है। तो ये वो मांगे हैं जो किसान लगातार कर रहे थे। लिखित संशोधन जो सरकार भेज रही है, लिखित प्रस्ताव, उसमें इस पर कुछ सहमति बनती अब दिखाई दे रही है, लेकिन देखना ये है कि जब ये प्रस्ताव पहुंचता है किसानों के पास तो उनका क्या रुख रहता है। जब ये प्रस्ताव किसानों को मिलेगा उसके बाद 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक भी प्रस्तावित है किसानों की, ताकि वो आगे की रणनीति इस पर तय करे और फिर कल सरकार और किसानों के बीच बातचीत मुमकिन है। दिल्ली बॉर्डर पर कुछ भी नहीं बदला है। किसान आंदोलन की न तो धार थमी है न रफ्तार। किसान अड़े हैं, सरकार की मंशा पर आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ाट में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाएं, और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर कभी विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को। मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है, हम पहले दिन से बता रहे हैं। सरकार इतनी जल्दी ये बिल दुरुस्त करने वाली नहीं। लग तो यही रहा है कि अमित शाह की पहल परवान नहीं चढ़ पाई। 2 घंटे की मैराथन बैठक नाकाम हो गई। किसान और सरकार के बीच अविश्वास की खाई भर नहीं पाई है। सरकार संशोधन का वादा कर रही है तो किसानों का एक ही सवाल है, तीनों कानूनों का अंत कब होगा। 40 बिंदु हैं जो तीनों काले कानूनों में 40 बिंदु ऐसे हैं जो किसानों के विरोध में हैं। अगर हम उसमें 40 बिंदु ही किसानों के विरोध में है तो उसमें रह क्या गया। तो काले कानून खत्म कर देने चाहिए, नया कानून लागू करे। हमने तो कानून मांगे नहीं थे सरकार से, सरकार हम पे थोप रही है। कोई इसके ऊपर कानून नहीं बनेगा। मेरे जो माँ बाप है इसको देखो बुढ़ापे में कितना इधर बैठा है। इन्हों चोली में हक डाल के वापस दे दें, मेरे को पकड़ के जिधर भी मर्जी लेके जाए, जो बड़ा जलाल लेके आए पैरों से काट के सर तक काट दें, हम सी नहीं कहेंगे, हम खून देने के लिए तैयार हैं, छोड़ेंगे नहीं इसको। अब तक की बैठकों का नतीजा क्या रहा, इसे आप किसान नेताओं की आवाज और उनके अंदाज से समझ सकते हैं। अब तक की कवायद इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकार संशोधनों का पूरा ब्यौरा किसानों को भेजेगी। किसान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। दोपहर 12 बजे किसानों की एक और बैठक है। बैठक में सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर किसान अपना स्टैंड तय करेंगे। किसानों ने कृषि कानूनों पर अपने ऐतराज, अपना डर खुलकर सरकार को बताया है। सरकार भी पूरे दम से किसानों की आशंकाएं खत्म करने में लगी है, लेकिन किसान यकीन नहीं कर पा रहे। किसानों को लगता है नए कानून से एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, फसल मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ी कंपनियों के हावी हो जाने का भी डर है। ये भी आशंका है कि बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। किसानों की हर उलझन, उनकी चिंता और उनका डर दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन फिलहाल भरोसे का माहौल नहीं बन पा रहा है। चैलेंज है कि इस कानून में कहां लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा, बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी, एपीएमसी के चंगुल से हमें मुक्त करो। नवंबर के अंत तक भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए की खरीद की है धान की, पैडी की, और उसमें जो लगभग 350 लाख टन खरीदा गया है उसमें 2/3 आपके पंजाब से खरीदा गया। आप समझ लीजिए हजारों करोड़ के किसानों को फायदा मिला है। सरकार के वादे अब तक बेअसर रहे। कानून वापस लेने की मांग से किसान कदम खींचने को तैयार नहीं। सुलह का रास्ता अब भी लंबा और मुश्किल दिख रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन असली तकरार दरअसल तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर है। यह आंदोलन जितना लंबा खिंच रहा है, लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, राजनीति उतनी ज्यादा ही गहरा चुकी है। विपक्ष घेराबंदी में लगा है। विरोधी दलों के 5 नेता आज शाम राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। तो उधर सरकार के सिपहसालार भी डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं।
शरद पवार तो मत पूछिए, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो फिर भी विरोध के लिए आप आ जाएंगे इस स्तर पर? ये 6 सालों में ये हताश निराश आत्मा है, किसी दिन चैन से बैठी है क्या? कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुपी हुई बंदूक या फूके हुए कारतूस लगा देंगे? ये पहली बार देख रहे हैं इस सरकार के साथ इस तरीके की रुझान कुछ नहीं अपना रहे, अपनी मनमानी से चला रहे। देश का किसान और उन्नत हो पाए, वो और समृद्ध हो पाए, ये विपक्ष की मंशा है ही नहीं। अरे जिस चोले को पहन शिवाजी खेल अपने जेल से, उस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग बसंती छोला। किसानों के आगे बढ़ते आंदोलन से सरकार में बेचैनी है। गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चे पर खुद आना पड़ा, मोदी के बड़े बड़े मंत्रियों को मैदान में कूदना पड़ा। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनमें हिम्मत है, जनता के किसानों के विकास की चिंता है, तो क्या ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिए, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी 58 साल सत्ता में रही है, भरत पवार तो मत पूछिए कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो फिर भी विरोध के लिए आप आ जाएंगे इस स्तर पर? 13 साल से चर्चा हो रही है। 2007 में यूपीए ने, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया, तो तब चर्चा नहीं हुई थी? कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूस लगा देंगे, लेकिन हर एक में असफल हुए। और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए। सरकार के तमाम सिपहसालार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, किसान विरोधी इमेज न बन जाए इसकी कवायद हो रही है। भारत बंद के दिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी किसान बिल पर सरकार का रुख साफ करने के लिए उतार दिया गया। यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। प्रधानमंत्री जी थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जो वकालत करते थे कि कृषि कानूनों में यह सुधार होना चाहिए। आज मैं सीधा सवाल सोनिया गांधी जी से करना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप वकालत करती थी और ये जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है उसमें क्या था? ये दोहरे चरित्र वाले लोगों से किसानों को बचने की आवश्यकता है। ये किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस डूब चुकी है और आज वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और केंद्र सरकार पर निशाना लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिश सरकार को घेरने की भी हो रही है। कांग्रेस से राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, सीपीएम से सीताराम येचुरी, सीपीआई से डी राजा, डीएमके से टीकेएस एल्गोवन राष्ट्रपति से मिलकर किसानों से बात रखेंगे। शाम 5 बजे मुलाकात का वक्त तय हुआ है। अब जो कहते हैं कि सरकार को जो बात सुननी चाहिए, ये व्यवहार रहा देश की राजनीति में हर समय जब से आजादी मिली हमें, कि जब भी विपक्ष कोई सवाल उठाता है, कोई आलोचना होती है सरकार की, उसका सुनाई जाती है, ना सिर्फ सुनाई जाती है, उस पर ऊपर ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है और सरकार अपना जवाब देती है। ये पहली बार देख रहे हैं इस सरकार के साथ इस तरीके की रुझान कुछ नहीं अपना रहे, अपनी मनमानी से चला रहे, ये गलत है, ये गैर जनतांत्रिक। तो किसान का सवाल अब खुलकर सियासत का सवाल भी बन गया है। किसान कड़कड़ाती ठंड में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ में सियासी वार पलटवार चल रहा है। दिल्ली से अशोक सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो।